Hey guys, welcome back to my channel Curly Confidence. I'm Dipali और मैं आज आपके लिए फिर से एक फैशन से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ. मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने लिए एक सभ्यसाची इंस्पायर्ड शॉल कैसे बनाया है. इस वीडियो को आप ज़रूर आखिरी तक देखना, आपको शॉल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. आप भी अपने लिए ऐसा शॉल डिज़ाइन कर सकते हो एंड ये कमिंग विंटर सीजन में आपको बहुत कम में आएगा. कमिंग वेडिंग सीज़न में आप इस शॉल को डिज़ाइन करके बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग कर सकते हो अपनी ड्रेसेस के साथ. सो फॉर द डिले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज आई एम डैम श्योर आपको शॉल बहुत पसंद आने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. मैंने ऐसे कुछ बनारसी फैब्रिक्स जो बच जाते हैं मैं वो यूज़ करने वाली हूँ बॉर्डर बनाने के लिए. और ये जो बॉर्डर बनने वाली है वो मैं मेन बॉर्डर के पीछे साइड लगाऊंगी, मतलब हमारा जो दुपट्टा है वो दोनों साइड से फिनिश रहेगा. और ये वाली बॉर्डर मैं यूज़ करने वाली हूँ शॉल में लगाने के लिए और इसके साथ मैं ये किरण बॉर्डर लगाने वाली हूँ. हम ये दोनों बॉर्डर्स को इस तरीके से जोड़ देंगे स्टिचिंग से जैसे आप देख रहे हो. जो शॉल बनाने के लिए मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो वेलवेट है. आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी गरम टाइप का फैब्रिक थान से है जो आपके पास पुराने शॉल्स है वो भी यूज़ कर सकते हो रीयूज़ करने के लिए. अब ये बॉर्डर्स को मैंने 5 इंच विड्थ में काट लिया है सारी बॉर्डर्स को एक जैसा, क्योंकि जो मेरी बॉर्डर है मेन जो मेरी बॉर्डर है वो 3.5 इंच की है. जितने भी फैब्रिक्स का हमने लंबी लंबी पट्टियाँ काटी थी उन सबको हम एज अ बॉर्डर पूरा जोड़ देंगे जैसे आप देख रहे हो. और जो हमारी दो बॉर्डर्स थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी उन दोनों को भी मैं इस तरीके से साथ में स्टिच कर दे रही हूँ पूरी बॉर्डर को. अब हम अपनी मेन बॉर्डर है जो हमारे ऊपर साइड रहेगी उसके नीचे हम नीचे वाली बॉर्डर जो फैब्रिक के नीचे साइड रहेगी उसको इस तरीके से रख के जॉइन कर लेंगे और ऐसे हमारे बॉर्डर की एक एज बिल्कुल फिनिश हो जाएगी. जैसे आप वीडियो में देख रहे हो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है. अब हम जो दूसरे साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है हम उसको इस तरीके से मोड़ लेंगे. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैब्रिक है बचा हुआ तो आप उसको कट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से उसको फोल्ड करके प्रेस कर लो ताकि जब आप बॉर्डर लगाओ तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और बहुत अच्छे फिनिशिंग से बनेगा. अब जिस साइड फैब्रिक की ओपनिंग थी जहाँ से वो स्टिच नहीं था वहाँ पे मैंने वेलवेट का थोड़ा सा फैब्रिक अंदर डाल के इस तरीके से स्टिचिंग कर दी है. यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने फैब्रिक को बॉर्डर के साथ कैसे सेट किया और आपको कैसे स्टिच करना है.
ऐसी बिल्कुल ऐसे ही करके आपको चारों साइड्स लगाना है बॉर्डर फैब्रिक के। कैसे लगा आप लोग को शॉल? मैंने कहा था ना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऐसे ही शॉल आप दूसरे कलर्स में या आप वेलवेट की वैरायटी लेके, जिसमें थोड़ा बहुत बीच में बूटा हो या डिज़ाइंस हो, आप ऐसे वेलवेट को भी लेके ऐसे शॉल्स बना सकते हो। ये सब आपके प्रेफरेंस पे, आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। मेरे को बहुत प्लेन शॉल चाहिए था इसलिए मैंने प्लेन वेलवेट लिया, और मैंने उस पर जो लेस है वो थोड़ी सी हैवी लगाई है। आप चाहो तो बहुत सारा वेरिएशन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप वेलवेट ही लो। आप वुलन के भी बहुत सारे कपड़े थान में आते हैं, आप वो भी यूज़ करके ये शॉल को बना सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा शॉल पसंद आया होगा, और मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स तो आपको पसंद आ ही रही है, ये मुझे पता चल रहा है आपके कमेंट्स एंड व्यूज से। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच लव। और मैंने फाइनली 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट 3 months जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।